जरायम की दुनिया के इशक जादू, गैंगस्टर मैडम मिंच लेंगे सात फेरे, डॉन काला जठेड़ी संग लेडी डॉन की जोड़ी। वही काला जठेड़ी अब घर बसाने जा रहा है, यानी 12 मार्च को उसकी शादी होने वाली है, और शादी भी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है, बल्कि उसकी शादी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ हो रही है। अनुराधा बनेगी दुल्हनिया, दिल्ली में बजेंगी शहनाइयां। तिहाड़ से निकलेगी बारह, चार राज्यों की पुलिस होगी तैनात। डॉन की रिवॉल्वर रानी, जुर्म की दुनिया में आपने शादी तो बहुत देखी होगी, लेकिन बहुत जल्द आप एक ऐसी शादी देखने जा रहे हैं जो अपराध की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी। देखिए, शादी का ये कार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी माशूका अनुराधा चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। जरायम की दुनिया के दो शकजादे हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के होने वाले हैं। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिस मैरिज होम में दो डॉन साथ फेरे लेने वाले हैं, ये उसी मैरिज होम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बैंड बाजे और पुलिस की टाइट सिक्योरिटी और बंदोबस्त के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खूंखार गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और उसकी माशूका अनुराधा चौधरी दिल्ली के इसी मैरिज होम में शादी करेंगे। देखिए, कुछ इसी तरह पुलिस के कड़े पहरे में काला जठेड़ी जेल से बाहर आएगा और फिर दूल्हा बनेगा, और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी दुल्हन। हर कोई इस शादी के कार्यक्रम को जानना चाहता है, तो जानकारी के मुताबिक, और ये शादी 12 मार्च को मटियाला के इसी संतोष गार्डन में होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि संतोष गार्डन है जहां पर 12 मार्च को डॉन संदीप उर्फ काला जठेड़ी बारात लेकर ठीक 10 बजे यहां पहुंचेगा। उसकी शादी से पहले यहां पर सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काला जठेड़ी को छोटा मोटा अपराधी नहीं है, अपराध में उसके कई दुश्मन हैं, और वो इन्हीं दुश्मनी की वजह से यहां पर खतरा बरकरार है। आपको बता दें कि 11 मार्च को मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है, जबकि 12 मार्च को दिल्ली के एक गार्डन में दोनों की शादी होगी। काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में बने संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में होगी, जिसे काला जठेड़ी के वकील ने 51,000 रुपए में बुक कराया है। द्वारका का ये बैंक्वेट हॉल तिहाड़ जेल से महज 7 किलोमीटर दूर है। सुबह 10 बजे से ही शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। काला जठेड़ी की बारात सोनीपत के जठेड़ी गाँव से द्वारका के लिए निकलेगी। बैंक्वेट हॉल में शाम 4 बजे तक शादी का कार्यक्रम रहेगा। बैंक्वेट हॉल में फेरे के लिए विशेष पंडाल लगाया जाएगा। इस शादी में
150 से 200 मेहमान शामिल होने वाले हैं। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी को लेकर द्वारका कोर्ट ने उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। शादी के बाद 13 मार्च को अनुराधा चौधरी का संदीप के सोनीपत में जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश होगा। यहां पर सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे गार्डन को 12 मार्च को पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। यहाँ पर जितने भी वेटर काम करते हैं उनकी पूरी लिस्ट मांगी गई है, उनका पता मांगा गया है, वो कहाँ से आते हैं, किससे मिलते हैं, यानी तमाम जो कवायद की जा रही है वो यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त के किए जा रहे हैं। पुलिस रोजाना आती है, यहाँ पर चक्कर लगाती है, चप्पे चप्पे की चेकिंग करती है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि कहीं शादी से पहले यहाँ पर कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि रंग में भंग पड़ जाए। उन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। यहीं पर देखिए काला जठेड़ी जो है, जो डॉन काला जठेड़ी है, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ वरमाला पहनेगा, यहाँ पर शादी होगी। और करीब इसी गार्डन में 150 से लेकर 200 गेस्ट पहुँचेंगे। वो गेस्ट कौन है उनकी भी पुलिस लिस्ट खंगाल रही है, आखिर कौन से गेस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि शादी है गैंगस्टर की, और उस गैंगस्टर की शादी जो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है, उसके कई दुश्मन हैं, और उसी दुश्मनी को देखते हुए पुलिस ने सारी कवायद यहाँ पर कर रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, यानी तमाम फोर्स को यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर लगाया जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। स्वाट टीम रहेगी, पुलिस की यहाँ पर आने जाने वाले हर आदमी पर निगाह रहेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो संतोष गार्डन के जो केयरटेकर, उनसे बात हुई लंदन से, उनका कहना है कि उन्होंने 6 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, यानी हर आने जाने वाले लोगों पर उनकी निगाह होगी। खाने पीने का इंतजाम भी कहीं और से किया गया है, बगल में ही है कैटरिंग का व्यवस्था की गई है। करीब 150 से 200 जो मेहमान आएंगे उनके लजीज खाने का इंतजाम किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो काला जठेड़ी ने अपनी शादी के लिए काफ़ी लाव लश्कर के साथ इंतजाम किए हैं, और बारात भी जाएगी, उनका बारात का भव्य स्वागत करने के भी इंतजाम किए गए। लेकिन उन बारातों में कई पुलिस वाले भी होंगे, सादी वर्दी में होंगे, बराती जो आएंगे, जो बैंड बाजा वाले आएंगे, उनमें अधिकांश पुलिस वाले होंगे। यानी कहीं ना कहीं इस शादी को लेकर दिल्ली पुलिस अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये शादी बेहद खास है, लिहाजा अदालत के आदेश पर अब पुलिस सुरक्षा में ही दोनों साथ फेरे लेंगे। 4 राज्यों की पुलिस की पैनी नजर के बीच ये शादी होगी। पूरे बैंक्वेट हॉल में शादी की सीसीटीवी से निगरानी होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट बनाई जा रही है। शादी समारोह में पहचान पत्र दिखाकर ही एंट्री मिलेगी। इस हमारे साथ लंदन मौजूद, इनसे बात करते हैं कि शादी की यहाँ पे क्या क्या तैयारी चल रही है। लंदन जी, क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? शादी की तैयारी है, 12 मार्च को शादी है यहाँ पर। पुलिस आ रही है, पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, वेटर का लिस्ट मांग रही है, लिस्ट हम दे चुके हैं बस। बाकी और क्या क्या आपकी तरफ से इंजाम किए गए? सीसीटीवी लगाने के लिए बोला गया आपको? जितना हमारा लगा हुआ लगा रखा है वो अपना खुद लगवाएंगे जब लगवाना होगा तो। कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं आपके? सीसीटीवी कमरे लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता गैंगस्टर है, उसकी शादी होगी यहाँ पे, कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिसको लेकर पुलिस लगातार आ रही है, तो थोड़ा डर है आप लोगों को? डर के हम लोग तो हम अपना काम करते हैं, बाकी सुरक्षा पुलिस को काम है सुरक्षा देना, वो कोई डर नहीं। कहाँ कहाँ से पुलिस आई है? हरियाणा से भी आई थी पुलिस या दिल्ली पुलिस आई खाली? दिल्ली पुलिस आई है, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच वाले आए थे। अच्छा, तो क्या कुछ बोला आप, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या करना है नहीं करना? कुछ करना हम वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं अंदर का। कुछ खास उन्होंने बताया होगा कि 12 मार्च को शादी है, ऐसे करना? कुछ नहीं बताया, करे अपना वेटर का बाग जो भी है काम करने वाला, उनका आईडी प्रूफ ले लो, उनको हम पास देंगे तब उनको अंदर आने, बाकी आदमी कोई अलाउ नहीं अंदर आने। शादी के लिए तिहाड़ जेल में बंद संदीप और काला जठेड़ी को 6 घंटे की जो पेरोल मिली है, वो 6 घंटे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के लिए बेहद चैलेंजिंग होने वाले हैं। जेल से लेकर शादी के मंडप तक काला जठेड़ी के साथ सादा वर्दी में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। इस शादी पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की पुलिस और सेंट्रल एजेंसी एनआईए की नजर होगी। इस शादी में पुलिस वर्दी में नहीं बल्कि सूट बूट में होगी, क्योंकि इस शादी पर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि कई कुख्यात गैंगस्टर की भी नजर होगी। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल के अलावा संदीप के गांव जठेड़ी में भी पुलिस ने भारी इंतजाम बिठाए हैं। दुश्मन गैंग के साथ गैंग वॉर की आशंका के बीच पुलिस को यह भी डर है कि कहीं काला जठेड़ी के गुर्गे
उसे भगाने की फिराक में ना हो। सूत्रों की माने तो काला जठेड़ी के हाई प्रोफाइल मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस और हरियाणा की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। पुलिस अपनी तैयारी में इसलिए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि काला जठेड़ी एक बार पहले भी हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है। 3rd बटालियन यूनिट से दिल्ली पुलिस के जवानों की एक टीम काला जठेड़ी को तिहाड़ जेल से बैंकेट हॉल तक लेकर जाएगी। किसी भी हाई प्रोफाइल कैदी को जेल से बाहर ले जाने और वापस जेल लाने का जिम्मा यही टीम संभालती है। पुलिस ने काला जठेड़ी की शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले ही उसकी फैमिली से मांगी है। बैंकेट हॉल में शादी के दिन काम करने वाले वेटरों समेत दूसरे स्टाफ की पहचान के लिए उन्हें आई कार्ड दिए जाएंगे, ताकि कोई भी अनजान शख्स हॉल में एंट्री ना कर पाए। इसके अलावा बैंकेट हॉल और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की भी चेकिंग की जा रही है। शादी जो बुक करवाई गई है आपका, ये गार्डन जो बुक करवाया है, अनुराधा ने बुक करवाया, उसके घर वालों ने? नहीं, नहीं, उनके वकील ने बुक कराया। अच्छा, कितने मेहमान आएंगे उसकी लिस्ट दी आपको? 100 से 200 आदमी के मेहमान की लिस्ट है आने की। तो सारी लिस्ट आपने पुलिस को प्रोवाइड करवाई है? वो खुद पुलिस को प्रोवाइड करा दिए जो बुक कराए थे। तो क्या लिस्ट आपको भी दी है उन्होंने? नहीं, हमें नहीं दिए कोई लिस्ट। तो आप यहाँ क्या देखते हैं यहाँ पे? मैं केयर टेकर हूँ। चलिए, ये केयर टेकर लंदन है जो जिनसे हमारी बातचीत हुई है। इनका कहना है कि 150 से 200 गेस्ट आएंगे यहाँ पे, और जितने वेटर हैं उनकी तमाम लिस्टें मांगी गई है। और कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम करने के लिए आदेश दिए हैं। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी का ये घर सोनीपत के जठेड़ी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। यहाँ एनआईए समेत देश के कई राज्यों की पुलिस छापेमारी भी कर चुकी है। देखिए, ये वीडियो साल 2019 का है, जब काला जठेड़ी पुलिस के पहरे के बीच अपने भाई की शादी में शामिल होने आया था। हरियाणा के सोनीपत में एक मैरिज गार्डन में हुई इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए काला जठेड़ी को जेल से पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ लाया गया। अपराधियों को पहचाने वाली पुलिस वैन के साथ पुलिस की कई गाड़ियां भी थी, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले थे। पुलिस वैन को मैरिज हॉल के अंदर ही घुसा दिया गया। इसके बाद उसमें से मुस्कुराता हुआ काला जठेड़ी उतरता है। पुलिस का इतना बड़ा लाव लश्कर होने के बावजूद शादी में सैकड़ों लोग हथियारों की नुमाइश करते हैं, कुछ हवाई फायरिंग भी करते हैं। एक गैंगस्टर का जलवा ऐसा था कि मानो कोई सेलिब्रिटी हो।